तो आज तैयारी चल रही है गाजर और मूली के बीज लगाने की। ये मेरे तरोई के गमले हैं जो खाली हुए हैं, बेल सूख गई थी उसको हटा दिया है और अब मुझे इन्हें तैयार करना है नई फसल के लिए। तो दो दिन से मैंने इनको धूप में इसी तरह से रखा हुआ है और उलट पलट के मिट्टी को अच्छे से धूप लगा ली है ताकि अगर कोई फंगस वगैरह हो और अगर कीड़े मकोड़े हों तो वो सब निकल जाएं। इस तरह से गमलों को एक बार धूप लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अब इसमें कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, फिर से मिट्टी को रिचार्ज करेंगे ताकि हमारी जो नई फसल है वो अच्छे से चले। इसमें तो मैंने लिया है बर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों की खली और फंगीसाइड, चारों चीज़ों का मिश्रण है जिसको मैंने 250 ग्राम एक गमले के हिसाब से डाला है दोनों गमले में। और इस तरह खुरपी की सहायता से अच्छे से मिट्टी को खोद खोद के और कायदे से मिलाना है। बिल्कुल पोरस मिट्टी हमें बनानी है। जो भी आपको इस तरह मिट्टी की रोड़ी वगैरह दिखे इनको अपने हाथों से फोड़ते हुए बिल्कुल एक एक को हटाकर बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी तैयार कीजिए। जितनी सॉफ्ट आपकी मिट्टी होगी, जितनी पोरस आपकी मिट्टी होगी, उतना बेहतरीन आपके जो बीज हैं वो जर्मिनेट होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसमें भी मिला लेती हूँ, हालांकि मैंने पहले से ही इस मिट्टी में जितने भी ढेले वगैरह थे सब हटा दिए थे, लेकिन जो अब हैं उनको भी हटाना है और मिट्टी को एकदम मसल मसल के पोरस कर देना। वैसे भी देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, कितनी इजीली मैं अपने हाथों से इसको हैंडल कर पा रही हूँ। तो अगर आपके भी पुराने गमलों की मिट्टी है तो इसी तरह से आप उसको तैयार कर लीजिए दोबारा फसल लगाने के लिए। और यहाँ पर मैंने लिए हैं गाजर के बीज। देखिए कितने बारीक बीज हैं, कुछ कुछ जीरे जैसे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर है मूली के बीज। तो चलिए अब लगाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने गमलों की मिट्टी को पहले ही गीला कर लिया है और इस तरह से लगभग लगभग आधा आधा इंच की दूरी पर मैं बीज डाल रही हूँ बहुत ही केयरफुली। अगर इसी तरह से हम बीज स्प्रिंकल कर देते हैं तो होता क्या है, कई बार ऐसा हुआ है कि मूली के पत्ते तो बहुत अच्छे निकलते हैं लेकिन जो मूली बननी होती है वो अच्छे से नहीं बन पाती। और ये शिकायत कई लोग करते हैं कि पत्ते तो खूब अच्छे आए लेकिन मूली जो है वो डेवलप नहीं हुई। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक बीज को निश्चित गहराई पर लगाएं, थोड़ा सा अंदर ही डालें मिट्टी के, ताकि ये नीचे जाकर अच्छे से, क्योंकि मूली जड़ होती है और इसकी जड़ अच्छे से डेवलप हो तो मूली भी अच्छे से बनेगी। बीज लगा लिए हैं तो इस तरह लगभग आधा इंच मोटी माटी की एक लेयर इसके ऊपर से बिछा देंगे ताकि सारे हमारे बीज ढक जाएं। और जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो तो इनकी जड़ मजबूत हो, लैगी लैगी से इधर उधर नज़र ना आए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो बीज मुझे ऊपर नज़र आ रहे हैं आधे, उनको मैं इस तरह से उंगली की सहायता से दाब दे रही हूँ और ऊपर से मिट्टी कर दे रही हूँ। इस तरह से ज़रूर लगाएं, थोड़ा टाइम ज़रूर जाएगा लेकिन आपकी जो मूली है बहुत हेल्दी ग्रो होगी। और जो शिकायत रहती है कि पत्ते पत्ते हो गए, मूली तैयार नहीं हुई, तो वो भी शिकायत ख़त्म हो जाएगी। अब डाल देते हैं इसमें पानी। तो स्प्रे बोतल से हल्का हल्का छिड़काव करना है क्योंकि नीचे की मिट्टी पहले से ही गीली थी, बस हमें आधा इंच की जो लेयर हमने ऊपर से डाली है उसको थोड़ा सा इस तरह पानी से गीला कर देना है, मॉइस्ट कर देना है। पानी डालने के बाद भी यहाँ एक आधे बीज ऊपर दिखने लगे थे, उनको मैं दबा दे रही हूँ। और अब टाइम है गाजर लगाने का। तो गाजर के बीज बहुत छोटे छोटे हैं, इनको एक एक करके डालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं
जितने भी बीज मेरे पास इससे दोगुनी मिट्टी इस तरह मिलाऊंगी और फिर इसको इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी। और इसके बाद इस तरह हाथों से पूरी मिट्टी में से मिला दूंगी। ये बहुत इजी तरीका है गाजर लगाने का, क्योंकि गाजर के इतने छोटे बीजों को एक एक करके लगाना मुमकिन ही नहीं है। तो इस तरह आप भी मिट्टी मिला सकते हैं ताकि बीज थोड़ी दूरी दूरी पर पड़े। अगर बीज आप डालेंगे तो हो सकता है बहुत सारे बीज एक जगह पड़ जाएं, तो प्लांट इतने अच्छे से नहीं निकलते हैं, बहुत पतले पतले से और लैगी हो जाते हैं। पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे दोनों गमलों में गाजर और मूली लग गई है। अगर आपने नहीं लगाई है तो ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिए।